नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बेड़मी पूरी बनाएंगे। बेड़मी पूरी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आटा, ये 2 कप है, करीब 250 ग्राम। उड़द की दाल 50 ग्राम है जो भिगो ली है। सूजी 2 टेबल स्पून। नमक 1/2 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से कम। जीरा 1/4 छोटी चम्मच। हींग 1 पिंच। अमचूर पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर 1 चम्मच। गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम। हरी मिर्च 1 जो बारीक काट ली है। हरा धनिया 1 टेबल स्पून। अदरक छोटा सा टुकड़ा जो कद्दूकस कर लिया है। तेल हमें आटे में मिलाने के लिए और बेड़मी पूरी तलने के लिए। बेड़मी पूरी के लिए हम दाल को दरदरा पीस लेंगे और आटा लगा लेंगे। बेड़मी पूरी के लिए आटा लगाएं, उसके लिए हम ये सूजी मिला लेंगे और नमक और 1 टेबल स्पून तेल। एक टेबल स्पून तेल हम आटे में डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। पानी थोड़ा डालेंगे। आटा हमें पूरी के तरीके से थोड़ा मुलायम लगाना होता है। बेड़मी पूरी का ज़्यादा सख्त नहीं रहना चाहिए, पूरी के आटे से भी थोड़ा सा मुलायम। क्योंकि आटा अगर ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो बेड़मी पूरी हम भर कर के बना रहे हैं, फटने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आटा हल्का सा मुलायम रखेंगे। बेड़मी पूरी को उड़द की दाल पीस लें और आटे में ही डालकर सारे मसाले मिलाकर भी बनाया जाता है, लेकिन हम ये बेड़मी पूरी भर कर के बना रहे हैं। ये आटा हमारा लग गया और अब हम आटे को अच्छे तरीके से मसल कर और 20-25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि आटे के कण फूल जाए और आटा सेट हो जाए। फिर हम एक बार इसे ठीक करेंगे। बेड़मी पूरी के लिए हम पिट्ठी बना लेते हैं। ये हमारी उड़द की दाल हमने हल्की दरदरी पीस ली है। नमक, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया। सारे मसाले डाल करके हम दाल में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बेड़मी पूरी में भरने के लिए पिट्ठी तैयार हो गई। बेड़मी पूरी के लिए हम पहले लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो छोटी पूरी के बराबर लोई तोड़ लेंगे। इस तरीके से सारी लोइयों को गोल करके रखेंगे। लोई को हम थोड़ा सा बेलेंगे 2 इंच के व्यास में और 1 चम्मच स्टफिंग डाल करके चारों तरफ से उठा के बंद कर लेंगे। हाथ से इस तरीके से दबाएंगे। सारी लोइयां हमने
स्टफिंग भर के तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें बेलकर तलेंगे। तो बेलन से हल्का दबाव देते हुए हम घुमा घुमा करके उठा करके पलट के पूड़ी को बेल रहे हैं। एकदम ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, इसके अंदर स्टफिंग है। ये हमारी पूड़ी बेल गई, तेल गर्म हो गया है और अब हम बेड़मी पूरी डाल करके तलेंगे। तो एक या दो पूड़ी तो आराम से डाली जा सकती है। तो ये हमने डाल दी और थोड़ा सा कलछी से दबाते हुए पूरी को फुला लेंगे। अब हम तब तक दूसरी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल हम चकले पर डाल लेते हैं ताकि हमारी पूरी बेलते समय चिपके नहीं। बेड़मी पूरी को धीमी आग पर कुरकुरी होने तक तलेंगे। पलट देंगे, ये देखिए ब्राउन हो गई है। एक और डाल देते हैं जब तक ये हमारी ब्राउन हो जाएंगी और इधर हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। ये ब्राउन बेड़मी पूरी निकाल करके बास्केट में रख लेंगे। इसको पलट देंगे। बेड़मी पूरी बनकर तैयार है। ये लगभग हमने 300 ग्राम आटे से बनाई है और करीब 20 पूरी इतने आटे में बन जाती हैं। बेड़मी पूरी आप आलू मसाला सब्जी के साथ बनाकर परोसिए, बेड़मी पूरी बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।